नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में छोटे छोटे जानकारी ज्ञानवर्धक होता है जो आपके जीवन में काफी लाभ दे सकता है, जिंदगी बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। आज हम 2024 अर्थात या कहें कि नए साल में हम कैलेंडर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि कैलेंडर कहाँ नहीं लगाना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए। आप देखिए दोस्त, वास्तु के हिसाब से 16 जोन बनाया गया है। 16 जोन, इसके अलावे कई ऐसे जगह है जो कि नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करता है। तो जो नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करता है उस क्षेत्र में अगर हम कैलेंडर लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी डेवलप होगा, उसमें हम गति चक्र में फंसेंगे। देखिए, कैलेंडर जो होता है समय चक्र सूचक है। जिस तरह घड़ी समय सूचक है, वैसे आपका पूरे साल भर की जो है जानकारी कैलेंडर देता है। प्रतिदिन का आपको जानकारी कैलेंडर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से अपने जीवन के गति को आप करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस डेट में हमको यहाँ जाना है या ये कार्य करना है। तो हम आते हैं कि जो कैलेंडर है वह क्या इफेक्ट हमारे जीवन पर डालता है। कैलेंडर कोई भी साल का हो, वह आपके जीवन में एक समय गति को प्रदान करता है। आप जीवन में अच्छा समय लाना चाहते हैं कि बुरा समय लाना चाहते हैं, तो वैसे जोन में अगर आप कैलेंडर को लगाते हैं तो वो रिजल्ट देता है। सबसे पहले हम आते हैं कि कैलेंडर कहाँ कहाँ नहीं लगाना चाहिए। 3 जोन वास्तु के आधार से है और जो चौथा है वह यम का क्षेत्र है। यहाँ पर आपको कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। जैसे पहला क्षेत्र है ईस्ट, साउथ ईस्ट का क्षेत्र, यहाँ पर कैलेंडर नहीं लगाएं। दूसरा है सेंटर साउथ का क्षेत्र, यहाँ पर कैलेंडर नहीं लगाएं। साउथ वेस्ट साउथ का क्षेत्र, यहाँ पर कैलेंडर नहीं लगाएं। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र, यहाँ पर कैलेंडर आप नहीं लगाएं। तो कैलेंडर आपको कहाँ कहाँ अब लगाना है इसके बारे में हम थोड़ा देर के बाद बताते हैं। और कहाँ कहाँ ना लगाना है कि आप कैलेंडर जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर ठीक कैलेंडर नहीं लगाएं, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जियों का आवागमन होता है। कैलेंडर कभी भी दरवाजे के ठीक दरवाजे पर नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है तो इस तरह आपके जीवन में अच्छा बुरा परिणाम देता रहेगा। दरवाजे के पीछे भी आपको कैलेंडर नहीं लगाना है, क्योंकि यह भी आपको अच्छा परिणाम नहीं देता है। कैलेंडर कभी भी आप जो बेडरूम है उसके साउथ के वॉल पर नहीं लगाएं, ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। कैलेंडर कभी भी पूजन स्थल में नहीं लगाएं, यह अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। किचन में नहीं लगाएं, ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। कभी भी कैलेंडर जो है सो ऐसे जगह पर नहीं लगाएं जो कि आपको देखने के लिए बार बार उठ करके जाना पड़ता है और किसी वस्तु को हटाना पड़ता है। अर्थात कैलेंडर लगा दिए और उसी कील में जो है सो कई वस्तु को टांग दिए, ऐसा नहीं करें। इसके प्रभाव जो आपके जीवन में है, गति को रोकेगा, आपके समय चक्र को रोकेगा, अर्थात तो बुरे परिणाम की ओर आपके एनर्जी को प्रेरित करेगा। अब आता है कि कैलेंडर जो है और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कैलेंडर आपके जीवन में काफी इफेक्ट करता है। अब कैलेंडर 2 प्रकार का आता है। एक तो कैलेंडर आता है कि कोई चित्र के साथ आता है, जैसे भगवान का चित्र हो गया या किसी प्रकार का चित्र, तो कुछ ऐसे चित्र है वैसे वाला कैलेंडर आपको नहीं लगाना है। जैसे किसी प्रकार का जो डिप्रेशन में व्यक्ति है उसका कैलेंडर के साथ है तो आपको नहीं लगाना है। जो जीवन में उदासीन रहता है, रोते हुए बच्चे या कोई भी हैं, उसका कैलेंडर नहीं लगाना है। धारदार वस्तु या अस्त्र इत्यादि जिसमें हो वो कैलेंडर आपको नहीं लगाना है। कोई भी खंडहर जो इमारत है वो घर में कैलेंडर के साथ है, क्योंकि इंटीरियर में लोग बना देते हैं, वो आपको नहीं लगाना है। और अगर भगवान का फोटो है तो उसको और सुरक्षित जगह पर लगाना आवश्यक है। कैलेंडर मुख्य रूप से आपको यम के क्षेत्र में नहीं लगाना है, अर्थात साउथ सेंटर साउथ का क्षेत्र है, यहाँ पर कैलेंडर आपको नहीं लगाना है,
क्योंकि यह आपको अच्छा परिणाम नहीं देगा, क्योंकि यम का क्षेत्र है और ये आपको है जो यम की नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में दौड़ता रहेगा, आता रहेगा, बार बार होता रहेगा। तो ये सारा चीज आपको देखना आवश्यक है। अब कैलेंडर जो लगाना है वो क्या है? कैलेंडर एक आपके शुभ संकेत है। आप मन में पूरा बना करके रखते हैं कि इस साल में हम बिल्कुल जो है ये कार्य करेंगे, अपने गोल को डिसाइड करते हैं और हम कार्य करते हैं। तो इस तरह से कैलेंडर जो है। अब आता है कि पूर्व का क्षेत्र, पूर्व के क्षेत्र में कोई ऐसा कैलेंडर लगाएं जो कि महासभा इत्यादि चल रहा हो, सोशल नेटवर्किंग जो उसमें दिख रहा हो, या उगते हुए सूरज का चित्र दिख रहा हो, ऐसा कैलेंडर आप लगाते हैं पूर्व दिशा में, तो ये रिजल्ट आपको अच्छा देगा, बहुत अच्छा देगा। उसके बाद अगर कोई ऐसा कैलेंडर है जो फाइनेंशियल से संबंधित है और वो आपके जीवन में आप उसको लाना चाहते हैं, जैसे धन वर्षा या पैसा इत्यादि या लॉटरी हिसाब से, तो ये आपको जो है सो आग्नेय कोण में लगाना है, ईस्ट साउथ के क्षेत्र में लगाना है, ये रिजल्ट अच्छा देगा। आप प्राप्ति का, गेन का क्षेत्र बनाना चाहते हैं, आप जीवन में बहुत प्राप्ति करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो ऐसा कैलेंडर जिसमें जो है सो गुल्लक बना हो, व्हाइट कलर का गुल्लक हो बहुत बड़ा, और उसके नीचे जो है सो कैलेंडर बना हुआ हो, वह आप वेस्ट के क्षेत्र में, पश्चिम के क्षेत्र में लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। कोई आप डिजायर मन में लिए हुए हैं, डिजायर कैसा, कोई भी इच्छा है, जैसे आप ये समझिए कि जब हवाई जहाज की कल्पना की गई होगी, जो दो ब्रदर्स मिल करके उसको किए थे, तो एक कल्पना था, डिजायर था उनका, हम ये बनाएंगे, तो ये डिजायर का क्षेत्र, पुष्प दंत का क्षेत्र आता है, वहां पर लगाएं। यह नैऋत्य और जो है सो सेंटर वेस्ट के बीच का क्षेत्र है, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा। कोई आप पढ़ते हुए या अपनी स्किल को डेवलप करते हुए फोटो लगाना चाहते हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का फोटो इत्यादि जो है, उसके इंस्ट्रूमेंट इत्यादि का फोटो है वह फोटो, या आप इंजीनियर हैं तो स्केल इत्यादि, पेंसिल इत्यादि या उसका इंस्ट्रूमेंट का फोटो, चूंकि ऐसे लोगों को गिफ्ट करता है, ऐसा फोटो गिफ्ट किया जाता है, तो ये आपको साउथ वेस्ट साउथ के क्षेत्र में आपको लगाना चाहिए। आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप अवसर चाहते हैं, तो ये अवसर का जोन के क्षेत्र में लगाएं, यह आप नॉर्थ के क्षेत्र में लगाएंगे तो काफी अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। अगर आप क्लियरेंस चाहते हैं, माइंड का डिसीजन बिल्कुल सही हो, तो डिसीजन वाला कोई क्षेत्र फोटो आप लगाएंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट देगा, और यह ईशान कोण में लगाएं तो काफी अच्छा रिजल्ट देगा आपको। आप चाहते हैं कि बैंक का सपोर्ट मिले आपको, किसी भी सपोर्ट का, अच्छे बड़े नेता या आपके बॉस का, उसका जो है फोटो हाथ मिलाते हुए या ऐसा, तो यह आपको बेस्ट नॉर्थ अर्थात वाइब कोण में लगाएं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार का हमने आपको ये कैलेंडर कैसा हो, कैसा कैलेंडर कहाँ लगाना है ये बताया है, जो आज ये समझिए कि एक प्रकार का यह कैलेंडर से संबंधित जो आपके जीवन में कई प्रकार का प्रभाव डालेगा, और ये वीडियो आपके लिए हम बना करके दे रहे हैं, आप इसका लाभ लें और जन जन तक पहुंचाएं, ताकि लोग इसे समझ सके और इसके अनुसार अपने घर में कैलेंडर को लगा सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।